성냥이 짜증 가지고 됩니다. 오늘은 성냥이를 읽어드릴게요. परमेश्वर एक मार्ग बनाता है। परमेश्वर एक मार्ग बनाता है। दसवीं विपत्ति में फिरौन के पुत्र के मरने के बाद उसने इसराइलियों को जाने दिया। वो लाल समंदर के पास थे जब फिरौन ने अपना मन बदला और उनका पीछा किया। दसवीं विपत्ति में फिरौन के पुत्र के मरने के बाद उसने इसराइल के जाने दिया। वह लाल समुंदर के पास थे जब फिरौन ने अपना मन बदला और उनका पीछा किया। जब इसराइलियों ने फिरौन के रथों को देखा वो बहुत भयभीत हो गए, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को लाल समंदर की तरफ उसकी लाठी को उठाने के लिए कहा। परमेश्वर ने एक जोरदार हवा भेजी और समंदर को दो भाग कर दिया। जब इसराइल ने फिरौन के जब इसराइल ने फिरौन के रथों को देखा वह बहुत बीत है गए, लेकिन परमेश्वर ने उस मूसा के लाल समुंदर की तरफ उसकी लाठी के उठाने लिए कहा। परमेश्वर ने एक जोरदार हवा भेजी और समुंदर की के बात कर दिया। एक सूखा मार्ग प्रकट हो गया और इसराइली लाल समंदर के बीच में से निकल गए।
यहाँ पर उनके दोनों तरफ एक पानी की दीवार थी। वो सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए। एक सूखा मार्ग एक है को हो गया और इसलिए लाल समुद्र के बीच बैंक से निकल गए। यहां पर उसके बैठने तरफ एक पानी की दीवार थी। वह सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए। समंदर में उनके पीछे गई। परमेश्वर ने मूसा को उसका हाथ बढ़ाने के लिए कहा। तब समंदर फिर से वापस एक हो गया और फिरौन और उसकी सेना डूब गई। फिरौन और उसकी सेना समुद्र में उनके पीछे गई। परमेश्वर ने मूसा के उसका हाथ बढ़ाने के लिए कहा। तब समुंदर फिर से वापस एक है गया और फिर और उसकी सेना डूब गई। फिरौन और उसकी सेना ने इसराइलियों का पीछा किया और उन्हें पुनः लाल समंदर में पकड़ लिया। सही या गलत? गलत। परमेश्वर ने उसके लोगों की एक उजाड़ में अगुवाई की। उसने उन्हें भोजन और पानी दिया। उन्होंने सिने पर्वत के पास डेरा लगाए, जहां पर परमेश्वर ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को मिलने के लिए कहा। परमेश्वर ने उसके लेकिन कि एक उजाड़ में अगुवाई कि उसने उन्हें भोजन और पानी दिया। उन्हें सीने
पर्वत के पास डेरा लगाए, जो हम परमेश्वर ने पहाड़ की चढ़ती पर मूसा की के मिलने के लिए आग और धुएं से घिरा हुआ मूसा ऊपर चढ़ गया और परमेश्वर उससे मिलने के लिए नीचे आया। आग और धुएं से घिरा हुआ मूसा ऊपर चढ़ गया और परमेश्वर उससे मिलने के लिए नीचे आया। हम बम्बको ये थुमंचे वाह आप कहता दिन दिन मूसा को परमेश्वर ने उससे कहां मिलने के लिए कहा? एक बार ओए तब भेजे किस में तब परमेश्वर ने मूसा को दो पत्थर की पट्टियों पर 10 आज्ञाएं दी। अन्य देवताओं की आराधना मत करना, मूर्तियां मत बनाना, आदर के साथ मेरा नाम लेना, विश्राम दिन को एक विशेष दिन करके मनाना। तब परमेश्वर ने मूसा के दे पत्थर की पट्टियों पर 10 आज्ञाएं दी। अन्य देवता और उनकी आराधना मत करना, मूर्तियां मत बनाना, आदर के साथ मेरा नाम लेना, विश्राम दिन के एक विशेष दिन करके बनाना। थैंक यू। चौन ये चीज अपने माता पिता का आदर करना, कत्ल मत करना, अपने पति या पत्नी से वफादार रहना, चोरी मत करना, लोगों से या जो उनके पास है उससे ईर्ष्या मत करना। अब लोग जानते थे कि कैसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। उपने माता पिता का
आदर करुणा कतल मत करुणा अपने पतियां या अपने पत्नी से वस वफ दार वफादार रहाना चेरी मत करना लेकिन से या जे उनके पास है उससे इसलिए मत करना अब लेख जानते थे कि कैसे परमेश्वर की आज्ञा की पालन करना है। क्या 10 आज्ञाओं ने इसराइलियों को बताया कि कैसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है? हाँ या नहीं? हाँ, ओ ये, ओ, दोनों इसमें छह गई को आंधे, तुमने उसे सुनाया? 그럼 다음에 또 봐요. 바이바이.